अरे के करे है के करू की अपने कर्मा न रहू हूं किसे टाइम बोल के देख लो सारी अनबावली कुत्ती डाल पड़न ना होगी पर कसूर तेरा कोनी वो क्या करना है अकबिटोड़े मत तो गोसे लिकड़ेंगे गणा बे मना रही है अकबिटोड़े मत गोसे लिकड़ा करे गोशिया की गेला कई बार काला नाग भी लिकड़ा करे और तब समझ में बात नहीं आओगी फिर अकी के करू मैं तो केरा समझ में आओगी कि ना एक काम कर खाट पा फिर बताऊंगा तुम्हें चल चल बैठ नू बता मेरा किस डाल पंडा छोड़ देगी सारी जन खाने हो रहे हैं कुया प्यारते ही बोल लिया कर जवानी में तो तेरी माँ ने सुख ना जीण दी न्यू सोची थी बुढ़ापा सुख तक कटेगा बुढ़ापे में तू दुश्मन हो रहा है मन ने क्या कर दिया ईसा सब दिन तो बाने ता साले दूर बैठे रहूं सू सन ना हूं सू रोटियां का टाइम यो ए तो रोड़ा है तेरा सारा दिन ताश पीटे जा हर सन ना के टिकड़े खा के सो जा है अरे तो मेरी के रात ने जागने की उम्र रही है और की मैं सोच के बोले बालक सेणी हो रही है मैं तो ठीक बोलू सू पर गंदे आदमी की सोचा गंदी हो ऐसे तन्ने के दिखता को ना छोरा सेणा हो गया मानदा को नहीं मैंने सारा दिखा है छोरा घर का खेत का सारा काम करना रहा तो सेणा तो हो ही लिया मैं तने न्यू ये तो रो हूं छोरा सेणा हो लिया कि मैं मेरे कानी भी देख ले तेरे कानी देख लियो कोई सुनेगा तो के कहेगा तने शर्म को नहीं दिया बात कहीं देनी अग बुढ़ापा में भी जवान नहीं आ रही है कि मैं शर्म कर ले कहीं ते पहले ओ मूर्ख आदमी तेरी सोच ने सुधार जवानी में तो तेरी माँ ने चैन का सांस लेन नहीं दिया बुढ़ापा में तू तो सुख तक जीलन दे जीने में तने फांसी पर लटकाऊ सू तने तो फांसी तोड़न ते भी बुरा काम कर रखा से आप तो तड़के पहले ना दो के तासा पर जा बैठे से और मां सारा दिन घर के काम में लागी रहूं सू मेरी कई घर का काम करने की उम्र रह रही है ना तने कंप्यूटर पर बिठा दी बुढ़ापा में कुर्सी बैठी बैठी आंगली मारी जाइए कितनी ये समझा ले इस आदमी का समझ में कौन ही आवे समझाने के मैं बालक सू जो तू मने समझाओगी और मैं सारी जानू हूँ जो तू कहना चाहो है जब जाने से तो फिर करता क्यों नहीं अरे तो के करूं भाभी राम 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 देवर आ जाए विजय भाई मैं तो आ गया तने भाभी क्यों दुखी कर रखी है जो कहे वो कर दे भाई विजय बुढ़ापा में लुगाइयां की सारी बात नहीं मानिया करें या तो तड़का केवरा के मांगने लग जाएगी मांगने के मैं बुढ़ापा में छोले भटूरे मांगू मन्ना बता भाभी के करना है मैं करूंगा जिस टाइम भी उन्हें हम दोनों लड़ दे पाओ तेर तन्ने तो बेरा ऐसे संदीप शाना हो रहा है मेरे पे घर का काम नहीं बनता सुख हो जाएगा मन ने भी मैंने कुम छोरे ने ब्याह ले भाई भाभी ठीक का है इब के भाभी की काम करने की उम्र है आराम करने की है भाई बीजे मन ने भी दिखा से पर नु सोचो साल दो साल और सुखते जी लिया तने बेरा ऐसे बहु आया पर आजकल के हो रहा है कदे सासू बहु आ के कदे देवर भाभी के और किते किते तो ससुर बहु के भी सिंह फसे रहे हैं जो तने सासू बहु आ के रोले सुने है ना मौन सासुआ वर्गी को ना मैं अपनी बहू ने बेटी बनाकर रखूंगी रहन दे मेरी माँ की तेरी भी रोज घर बजा कर दी मेरा खोट के सफेरी समय तेरी माँ जी इतने उसने मेरे तो चैन की सांस को ना लेन दी भाई भाभी ठीक कह है ताई है ना जोड़ पद गाड़ी देने लगा कर दी भाभी ने और घर ताई दत्तू रेडिया बंद को नहीं आ कर दा भाभी आई जी कितनी मोटी थी सुखा के ना करंग बना के धर दिया ओ भाई विजय सासू बनिया बचे लुगाई सारी ऐसी हो है ब्याह पहले मेरी माँ भी नहीं कहा कर दी अगर मेरी बहू ने मैं बेटी बना के रखूंगी पर मैं तेरी माँ जी सी को ना रहन दे जी लेने दे कोई दिन चैन ते ये तो तेरे बहु बहु हो रही है और पाछे हु हो जाएगी फिर इसका मतलब ये होया तू छोरे ने ब्याह को ना के भाभी तुम भी 24 घंटे नुए सिंगल जाई रखो नु तो कोनी घर ने कोई मानस आ उन्हें साफ पानी पिया दे तू नु बतावे कि मैं के गलत कहूं सु भाई तू ठीक भी कौन कांदा ना तू तारी चंद्र की औलाद है तू तो सारी साची बोल है माए आ जा तेरी ये कसर थी बाबू के लाडले हाय माँ बाबू का लड़ला सुई में और तारिया माँ बर्द ने अड्डत ही सुने हैं और सारे हंसे हैं और नू कहे चलो संदीप पर कहे माँ बर्द हो रही है देखने चलेंगे यह बात तो संदीप ठीक कहे तुम भाभी मैं भी गली में गजा था थारी आवाज सुन के आया था अरे एक आधा तो बिगेट दो कान लगाए बैठे होगा बैठा रहने दे फिर हमने केडर लाग गए से ईसा कौन सा घर है जिसमें तकरार ना होती और हम कौन से लड़ा थे हम तो बतलावा थे मान गए भाभी थारी बतलाना चल छोड़ संदीप तू सुना तू आजकल की तरह दिखता है को नहीं चाचा मार बाबू की लड़ाई के चक्कर में है मैं तो खेत में पड़े रहूं काम भी हो जाए अरिंद पंडा छुट जाए भाई एक बात कहूं जब बुरा ना माना तो अरे सारी जिंदगी होगी मां इससे की बात का बुरा ना मानना तो तेरा के बुरा मानूंगा तू भी कह ले दो चार बातें खेत की जगह तेरा खेत रहा और घर की जगह घर रहा एक बात और तेरे तो 7 किले हैं और छोरा भी एक से गम में ऐसा घर कोई को नहीं जिसके इतने किले आंदे हो एक वो है द्वारकाला बलजीत उसके हैं 12 किले और फिर 3 छोरे हैं वही चर चर बन रहा हूँ विजय तू कहना के चाहो है भाई वह क्या करे ने सांप ने की मारे सांप की माँ ने मारू कि वह जमणते ही रह ले मतलब तेरा घर में रोला संदीप का तो हम इसका ब्याह कर दो रोला तो आप ही मिट जाएगा
फिर मैं ये बात तो कहूँ छोरे का रिश्ता होते हमारी सारी माँ बात खत्म हो जाए। माँ मैं ब्याह कौन करूँगा? तू तो के को नहीं करा तेरा तो बाप भी करवाओगा। खड़ा हो जाचा बना लिया। ओ भगवान मैं तो एक केवा करके बसता हूँ सू मैं तो संदीप का ब्याह कर दूंगा। ये हुई ना मर्दाली बात। देख भाभी ये मेरे भाई ने की मैं नहीं कहती मेरे भाई ने आ भर ली से। ओ भाई मन्ने मेरी आंखों नहीं भरी संदीप की आ भरी से। तू रान दे बुढ़ापा में घोड़ी पर चढ़न ने छोरे ने ब्याह ले। ठीक सही भी कह दी ना करा किसे तो बात। अरे वे एक काम करे दो गुटसा बना ले जा संदीप तो कोनी ले आया। जे या बात है ना तभी तो मैं चाय की गेल पकौड़े भी बना लाऊंगी। ओ भाई कितने देखने की जरूरत कोनी मेरी साड़ी ये छोटी और संदीप ने देख भी रखी है भाभी तो भी सुतरी है। हां देर वाए केतरी साड़ी जुन सी तेरा छोरा होया जे पीली आला के ले आई थी। हां वाए और वा डीजे पे भी उस गाने पर नाचे थी नंगड़ा के ब्याह दी नंगड़ा के ब्याह दी। वाए उससे गाना पर देख के तो संदीप ने पसंद आई थी वा। ठीक कहे देर वा तो तेरी साड़ी बहुत सुतरी है जमानियों की न्यू त्री वो उभर गई। ठीक से भाई विजय जमीन मां बेटा का पसंद से तो मन ने कही तरह से करवा दियो काम। ले जाता तू चाह पीने या माँ बार तो नहीं चलती रहेगी। देख ले विजय तेरी भाभी के चाह पकोड़े चाह भी छोरा बना के ले आया है। तने चाह मिल गई ना चाहे छोरा ले आया हो चाहे छोरे की माँ ले आई हो। के बाबू फिर शुरू हो गए तुम। बेटा संदीप है या माँ बार खत्म को नहीं हो इतने तेरा ब्याह ना होता तो चाहे तो नहीं चलेगी अब मैं तो खेत में जाऊँ काम। ठीक से फिर छोड़ दे इन बात ने तू नहीं बता के कहा था। भाभी कहूँ तो के था नु कहूँ था रिश्ता तो मैं कराए थी मैं फिर लेन देन ने कुछ को नहीं था तो मैंने बेरा है मेरे ब्याह में 5 कपड़े मंगा ली थी। किसी बात करे बुझे तू जो अपनी छोरी दे दे ने वो सब की दे दे और फिर अपने के कमी से। और बहु देखन ई साली कितनी बढ़िया से मुंह में जुबान भी कोना और छोटे बड्डे की सब की इज्जत करे है इसकी माँ ने काम का हाथ नहीं लान दें दी खाट पर बैठी की सेवा करे है। ठीक से भाई विजय तू बात करनी है। भाई बात किस तक करनी है उन्हें तो मेरे पे जोड़ रखी है बल्कि ब्याह ही मना करना है और मेरी तरफ तो पक्की है। ठीक से देवर तू यो काम करा दे मैं तो फिर गंगा नाई वर्गी हो जाएंगी। ठीक से भाभी फिर करो तैयारी और मैं भी जाके अगले में खुशखबरी दूं। ठीक से देवर तू तो खुश होगी भगवान है। खुश भी ना होंगी मेरे छोरे के रिश्ते की बात होगी। हाँ तो एक काम कर जाइबे की रोटी टुकड़ा जुगाड़ कर ले वो छोरा एक बार देख दे और रोटी आएगी। ठीक से ले बनाऊं। हाँ बना ले। सिखाया होगा भी तो बहु है बिना कहीं दूसरा चाह बना ले आई मैं तो ठीक सू तू तो छोरा ब्याह पीछे कती है भूल गई ना बेबे इसी तो कोई बात को नहीं। आई बात क्या था को नहीं तन तो ब्याह में एक बार भी याद ना करी मैं। ये बेबे ब्याह में मैं बिचड़ रही थी और ब्याह पाछा मैंने लाडू पूछाए थे। ठीक से बेबे बहू घर आए अकेली सही में चाल लू उन लाडुआ का जहर तो मेरे भीतर घुल रहा है बेरा को नहीं कत बार ना आवेगा। और जो तू आज यह बहू बहू करने लाग रही है ना यह बहू मेरे छोरे का आनी थी तू बेरा नहीं कितने बीच में आ गई। तेरा छोरा तो ब्याह गया पर मेरा आज तक कवारा अंडा है जो मैंने तेरा घर भी तिनके की तरह ना बिखेर दिया ने तो मन ने कोमल कौन कवागा। सुषमा आ जा बेबे के कर रहे हैं? कुछ ना चाह पीऊं थी आ जा बैठ जा। हाँ इतनी गर्मी में बिछा बस बेटा खुश रहे। केक रुचा का ऐसा डाला पड़ रहा चाह बिना सिर में दर्द हो जाए। अरे या बहू है ना कदे चाह कदे जूस ले जावे ले तेरी खातिर भी एक कप चाह मंगवा दूं।
इना रहन दे चाय खातर तो मैं ना पिया करूं। ये तो फिर बाहर जाकर न्यू कहगी उनका गई थी और बहू पचा भी ना पिवाई। यही सी कोई बात तो नहीं। क्या हो गया बेटा? क्या हो गया? ये हो या तो कि मैं कोनी ये भी अनु कहे चाची ने चाय के साथ में लड्डू भी खुआऊंगी। तेरा लाडवा की पड़ रही है मेरे बहू का जी दुखी पा रहा है। ये जी तो घने दिन दुखी पाओगा। सुषमा तू भी कति बुढ़ी होगी तन्ने भी ज्ञान नहीं आया। ये तो दादी बन वाली से। अच्छा आई बेटी न्यू बात है। हाँ माँ। जा बेटी पूजा तू भीतर जाकर आराम कर ले। ठीक है माँ। और कोमल तू बैठ बे सानी तेरी खातिर लाडू ले आऊंगी। ठीक सर बेबे। टाइम तो ये आया सा बदला लेने का। जब मन ने तेरा घर बर्बाद नहीं कर दिया ना तो मन ने कौन का भागा। जब भगवान ने मेरा साथ दिया तो एक के सोचने लगी कोमल। ये किमे ना मैं तो तेरे भले के बारे में सोचू थी। ले पहले मुंह मीठा कर। ये ले। ये बता के सोचे थी मेरे बारे में। ये मैं तेरी भलाई सोच रही थी बेबे। के ये मेरा वा ज्ञानी वाली मां याद आ गई। ये के बात हो गई सी? ये मन उस ज्ञानी की मां तो बूढ़ी ठूठ था मैंने समझाई थी। बहू ने चेक करा ले छोरा है कि छोरी। जब पहले छोरी होगी ना तो छोरिया की लाइन लाग जाएगी। अच्छा या बात से ये माननी को नहीं मेरी और लगती चार छोरी होगी। हाँ या बात है तू ठीक कह वैसे बेबे। हाँ ये पोते का मुंह देखने का तरस है रोंदी अंड है गाड़ा में। ये बेबे या तो भगवान के हाथ में हो सापा के कर सका। हाँ पहले था भगवान का हाथ में तो ये तो डॉक्टर का हाथ में से है। पहले बता दे है छोरा है के छोरी। अच्छा सुनिया तो मन्ने भी सबे पर के करूं मन्ने तो डर लाग गस है। ठीक से बेबे मैं तो जाऊं सू तेरा देवर खेत में तान हो रहा है और तू भी बाद में ज्ञानी की माँ की तरी है पोते का तो रोंदी आंडी। ठीक से बेबे मैं भी बहू नशे मारू। माँ के कर लग रही तू? दिखती नहीं तने कासन मांझू हूँ। दिख तो मन्ने भी तू कासन मांझे है। फिर मैं यह बात तो पूछू देर दे तू कासन क्यों मांझे है? पूजा कित गई? मेरी बेटी की आसन को ना क्यों गया उसका? और चार कासन मैं मांझ दूंगी तो मेरा के बिगड़ जाएगा। उसकी तबीयत खराब हो रही है। ए माँ बाहर तो कोई भी आ गया ना तुम्हें को बहु आया पाछे भी कासन मांझे है। फिर के जुलम हो गया उसकी तबीयत खराब है चार कासन मैं मांझ लूंगी। बेटा तेरी माँ ठीक कह है चार बर्तन या माज देगी तो की बिजली पड़ जाएगी। चाचा तन तो मेरा आवेगी तेरी साड़ी है ना। बेटा एक बात और बताऊं तेरे बापू तो तेरी मानू है गलत कहा करता चर्चे चल रहे हैं तेरी माँ के पूरे काम में कि आपकी बहू ने बेटी की डाल रखे है। तो तू ठीक कह है फिर मेरी माँ काम कर दी किस तरी लग है। भाई विजय इसके चर्चे चल रहे कद को नहीं। पहले तो मेरी माँ रिया सिंह फसाई रख दे 24 घंटे का काम था इनका। मेरी माँ मर गई फिर इसे 24 घंटे मेरे गले कुछ नहीं रखनी। ये भी संदीप का ब्याह होया से ये भी 2-3 साल तो शांति पड़ी से नहीं तो लोग टीवी की रामायण छोड़ के ना मारे घर में माँ बाप देखना आ जाते। मैंने यो ही डर था कभी यह भी मेरी माँ की डालना करने लग जाए अब बहू का गले रोज लड़ाई रखे। पर एक बात कहनी पड़ेगी बहू ने तो यह बेटी तो बैठ के ही रखा है। हाँ देवर बहू मर बेटी में किमें फर्क हो है। हमने खुद सोचनी चाहिए कि अपने जामे उड़ाने छोड़ कर मार दो रहा वैसे हमने उस तय उसके माँ बाप तो फालतू प्यार देना चाहिए। यह बात मारे पे भी लागू हो है। हम अगले की बेटी की इज्जत करांगे ना जब कोई अगला मारी बेटी की इज्जत करेगा। भाभी जो सारे की सोच तेरा जैसी हो ना तो इस दुनिया में सास बहू आगे रोले हो एक होनी। यह बात तो ठीक कहो विजय तू। ले मैं तो बात बात में मुँह मीठा कराना भूल गई बैठो तुम। मीठा मुँह आज कौन सी खुशी होगी माँ आखिर में त्योहार सा आज बैठ जाए एक बारी पहला लड्डू तो खा लिया पाछे पूछ लेंगे। यह बात ठीक है विजय भगवान ही तो बता दे किस खुशी में लड्डू बटे है। दादा बनने वाला है तू। अच्छा यह तो बहुत खुशी की बात है। भाई जी लो लड्डू लड्डू बात काम कौन चल रहा है तुम चल चरा का जुगाड़ भी कर ले खा लो तुम लड्डू। अच्छा मन ने थारा था जहर नहीं दुआ है तो मन ने कोमल कौन का होगा पूरा गाँव ये तमाशे देखा खड़े होगा ने लाडू लाडू काम कौन चल रहा है खाटा मीठा भी करना पड़ेगा। विजय तू चिंता ना कर मैंने पकौड़े भी बना रखे हैं। ठीक से चाचा खेत में काम करके आऊँ थक रहा हूँ काम खा लो पकौड़े देख ले तेरा लाल के काम। हाँ नुका थाम खा लो पकौड़े। ठीक से तू लिया हम बैठा इतने खाते। ठीक से लाऊं आ गए आप? मैं तो आ गया तेरे क्यों हो गया? मानो की तबीयत खराब से। माँ ने कौन बताई? माँ के बताओ दी तय बता दी मन तो सर माँ बता दे। अरे बावड़ी
इसमें शर्माली कौन सी बात है? और मेरा गनी बताओगी किसका के बताओगी? बता जल्दी बता दे, पट्टन हो रहे हो मजमा आप है ना? पापा बनने वाले हो? मैं और पापा? अरे बावली इस तो खुशी की बात क्या होगी है? अरे ये बात है ना राजी को बताया करे, अगर अड़ा के नहीं बताओगी किसा के बताओगी? नहीं बता, मैं तो चौड़ा हो गया, पाया खून और बद गया मेरा, हर तल हुआ है। कोई कहा बता तो दी, दूसरा माँ को बता दिया नहीं, दूसरा माँ कोई बस तो फिर और खुश रही, बढ़िया खाना पीना खाइए, जो भी कहोगी ना वही लगे। नहीं आ रही सा के करूँ, जो इनका घर कति मलिया मेट हो जाए। अरे तो कर्म करके देख लिए ना। राम राम भाभी। राम राम देवर, हो ठीक से? हो के ठीक से? तेरा बेरा पट लिया? के बेरा पट लिया? तो नाम नाम की नहीं तो दिल की भी कोमले है के बात? देवर ने को कर बोले है? मैं तो ठीक हूँ भाभी, उड़ा दुश्मन तो खुशी बनावे है और तू सिले चुल्ले बैठी है। तो और के करूँ मैं? वो कित गया तेरा जवानी वाला जहर, जो तने देख कर लोग दूर तय बेहोश जाया कर दे, मना लग गया है दिन भर तू बुढ़ी होती जा ना, तेरा जहर भी खत्म होता जा है। कोई बात कोनी पवन, जहर तो इभी भी उतना ही भरा पड़ा है, पर मैं सोचू तुम मन कड़ तड़स। भाभी किसी ने सही कही है, जब लुगाई पटानी होना पहले उसके बड़का से प्रेम करो, लुगाई आपे पट जाया करे। यह बात तो पवन तो बिल्कुल ठीक कैसे है? भाभी बात तो मैं सारी ठीक के कहया करूँ, और सुने जवानी में तनी सा कोई घर नहीं छोड़ा जिस घर में तने लठना बजवाया हो, कड़ा गया हो तेरा हुनर, जब लोग तने देख कर अपना रास्ता बदल लिया कर दे, याद करो वो दिन भाभी याद। पवन मेरे तो एक ही बात समझ नहीं आ रही, मैं के करूँ? तू एक ही मेरा रास्ता दिखा मने। भाभी नू कहा करे दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो वह दुश्मन? हाँ भाभी दुश्मन। थारो और सिल्लू का तो अच्छा मेल जोल से, ये दुश्मनी करता है भाभी? या दुश्मनी बहुत पुरानी से, और कई बार आदमी कमजोर हो ना तो दुश्मन के लिए भी प्यार रहना पड़ा है भाभी, दुश्मनी पुरानी दारू वर्गी हो से, और दारू जितनी पुरानी होगी ना उतना ही पीने में मजा आया करे, और दुश्मनी जितनी पुरानी हो ना बदला लेने में उतना ही मजा आया करे, और बाकी तरन तेरा बेरा इसे। अमन बात तो तेरी सारी ठीक से, इवनू बता करना की से? भाभी दीवारा के भी कान हुए हैं, ये तोड़ कान कर। ठीक से पवन, तू तेरा काम कर दे, आग मैं अपना आप संभाल लूंगी। ठीक से भाभी, समझ मेरा काम हो गया, तू तेरी तैयारी कर और मैं चल जा। ठीक से देवर। राम राम भाभी। राम राम देवर। अच्छी बात करो तुम तो। क्या बात हुई? लाडू बाटो थे और सारा गांव में बांट दिए, मैं छोड़ दिया, हमारा परिवार छोड़ दिया। बस धोखा हो गया देवर, ना तो तेरे तके मन के में खुशिया था। इसे सही है कही है, दीवा तड़ा में अंधेरा आया करे, और एक बात याद कर भाभी, तम तो मना अपना को नहीं मान दे, लेकिन मैं तम ही ना अपना मान लू। एक बात बताऊ भाभी? हाँ बता देवर। पहले बहू ने चेक करवा लिए, जब पहली छोरी होगी ना अग पोत हत तरसी जाएगी। ठीक कहे देवर, यह बात तो कोमल भी कहे थी एक दिन, पर मन्नत ना बेरा था इस बात का। आज कोमल दुर्वा बलजीत की बुआ रही थी, मिठाई लेकर तीड़ ले गए, बेरा किस बात पे? किस बात पे? कोमल उसने छोरा उनकी दुआई दुआ के लाई थी। अच्छा ठीक से, तो कोमल तो बात कर लिए, कोमल है ना बड़का मामले में गणित जान कर लूगा इसे। ठीक सर देवर, तड़का मैं कोमल दौरे जरूर जाऊंगी, फिर बात कर लिए। ठीक सर, राम राम भाभी। राम राम। पूजा इन बर्तन अंदर दे बेटी, चाल एक बार डॉक्टर के चलना है। क्या तमा, मैं तो ठीक हूँ। कोई बात ना, चाल एक बार दिखा काना है। ठीक हूँ, आप के हो तो? चाल बेटा। हाँ चल। बेटी तू तो एक बार चाल का आराम कर ले, मैं तेरी चाची कोमल दौर जाया हूँ एक बार। हाँ एक कोमल में तो तेरे तो घर ने भी जा आई, वे तू घर ने भी ना पाई। घर ने जा आई? हाँ। के काम था? तू उस दिन वो जिक्र नहीं करे थी मेरा आगे। क्या कहा? बालक का तो मैं डॉक्टर के लेके गई थी, बहू ने बे छोरी बता दी। बहू के तो छोरी बता दी, तो इसमें मैं क्या कर सकूं? बे तू ये करेगी कि मैं बलजीत के छोरे की बहू तो दवाई तन नहीं ना दवाई थी, आम के तरह के में लागते कोने कोमल? लागो तो सो, उससे दवाई तो मन्ने ही दवाई थी, और थामने भी दुआ दूंगी, पर बेबे मेरा नाम नहीं आना चाहिए। ये तू चिंता ना करे, तेरा कितने जिक्र नहीं आवेगा। ठीक से बेबे, सवेरा आकर ना दवाई की पुड़िया ले जाएगी। ठीक से बे, सवेरा आ जाएंगी मैं।
टाइम तो ई आया से तन्ने मैं दवाई की जगह जहर की पुड़िया दूंगी। जहर की पुड़िया मन लग गया संदीप पर करका नाश करेगी। इसकी माँ ते बताने का तो कोई फायदा को नहीं, तो संदीप ते बतानी पड़ेगी। अरे छोरा कित बाजम बाज हो रहा है। चाची खेत में आया हूँ। बेटा एक बात सुन ले, बुलाओ चाची तेरा हर तने बता दी मने जान दे बस। संदीप आ गया बेटा? हाँ मैं आ गया। ठीक से बेटा तू बैठ, मैं चाय बना के लाऊं। क्या करना रही है? कपड़े जचाऊं जी। चले के बात सुनो, मानते थी किम कही है? माने? हाँ माने। ना किम मैं कौन है कही? किम मैं कौन कही? तो मेरी बात सुनो एक। आगे इंदौर सुन। हाँ आगे समझ में। ठीक से कर लेगा। पुजाले बिटिया दवाई पी ले। दवाई? क्या की दवाई है माँ? ताकत की दवाई बेटा, है बालक ठीक रहे इसने। ठीक है माँ। क्या दया? माया कड़वी कड़वी लग गया है। मुँह लग गया बेटा अपने, पी ले। क्या बात हुई? पी ली माँ। ठीक तो है? हाँ मम्मा राम कर ले जाकर। हाँ लौट जा। क्या बात हुई? पूजा 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 संदीप है? ए संदीप है? क्या हो गया भाभी? बेरा ना दे। और क्या हो गया? बहू तो दवाई दी थी कोमल पर लिया के, और बेरा ही ना क्या हो गया? या तो होली भाभी। होली माँ यो क्या कर दिया? देवर मन तो दवाई दी थी इसने। क्या की दुआई दी थी माता ने? छोरा उनकी हो गया छोरा ही भी। ए माता भी इन भाई ममकड़ा पड़ गई। छोरा हमारे छोरी में के अंतर से? मेरा तो घर का नाश कर दिया तने। किसे तो पूछी थी के भाभी छोरा और थे छोरी और तेरा वंश अल्लाह था, छोरा फेर हो जा रे। अरे ये तने जमाए खत्म कर दिया रे। के करूं देवर बकाई लग गई मैं। अरे अभी घर का नाश हो गया मां। अरे ओ ते किस जगह क्या कर दिया मैंने? मेरे थी क्या? अच्छा मैं बताऊंगा। पक्का है? पक्का। मन छोटे बड़े पूछ भी लेंदी किसे ते? हम मर गए थे के साड़ी जरा की मनीष घर में। अरे जब तेरे माँ बाप या मेरे का देख, जब तेरे माँ बाप नूना फरक करे छोरा छोरी फरक समझ रहे, तो तन्ना उड़ बड़ी होन देर के कोई तन्ने भी घेटी में गुटा दे के मार दे उसे टेम। गलती होगी देवर, मेरे पे मैं बुकाई माँ आ गई थी। आये माँ मारा बाण कौन थी? अब मेरा बाप तरसिया करता है एक बेटी खातर, अगर भगवान मेरा एक बेटी दे दे मैं भी कन्यादान कर दूँ। यो शिला दिया तने, जब मेरे भी बाण हो जाने ना तो तू उसने भी नुए घेटी में गुटा दे के मार देर। तू माँ को नहीं? माँ को नहीं यार, डैन से डैन। देवर बहुत बड़ा पाप हो गया मेरे पे, चाहे डांड को चाहे मारो चाहे छोड़ो, पर यो पाप तो हो गया ही मेरे पे। मने माफ कर दो, मैं पाप पकड़ू हूं तारे। माफ करन के जो का काम करया कि तने ई माफी मांगण तक हो है, घर का तो सत्यानाश कर दिया तने। मां तेरा थोड़ी बहुत समझ में आई कि नहीं? मेरे समझ में आए तो के हो है बेटा, घर का नाश तो हो लिया
पर जी हुई मैं भी कोन्या, चाहे तो तू गुठा दे के मार देना तो मैं कितने डूब के मरूंगी। माँ सुन, तेरे डूब के मरते जिंदा हो जाए के फिर के करूं? अरे मैं और बड़ा पाप कर दिया मैंने। तू मान है तन पाप करया है? मानू। तेरी अकल ठिकाना आई? आई। पूजा खड़ी हो, खड़ी हो। पूजा जिंदा बेटा तू? माँ जिंदा ने हमारी कद थी, बलाओ चाची बलागा जो उन्हें मेरी टेम पर बता दी, नहीं तो आज मेरा घर उजड़ जंदा और मैं तुम को हूँ भगवान उसके खेड़े बसो। खड़ी भाभी भी उठ ले बेटा। उठ ले को नहीं माँ, ये एक ड्रामा था, जब मैं टेम पर दवाई नहीं बदलू ना तो आज मेरा सच में नाज हो लेंदा और आप ही कितने ही को नंदे। तो माँ बड़े बुढ़े का कहना है कि दूसरे की सीख ना मानो, अपने से पूछो। अक्कल लागी बेटा मेरे, माँ आगे किससे की नहीं मानू। ठीक से माँ, आगे ऐसा काम ना करिए ना, एक बार फिर मान लिए केवरा ड्रामा खेल का मौका भी ना मिले। ना देवर आगे मैं किससे की नहीं मानू। कोई भी घर का फैसला हो ना माँ, बाबू तो पूछा कर, मेरे तो पूछा कर। ठीक से बेटा। राम राम दोस्तों, आपने स्टोरी देखी, इसमें हमने क्या दिखाया है? नंबर एक दुश्मनी, जो पवन की सिल्लू की दुश्मनी थी, लेकिन दुश्मनी हो जाए अगर, लेकिन कदे भी इसी दुश्मनी मत काटो अगर उसका घर का नाश हो जाए। दूसरी सीख, कदे भी किसी की सीख में आके न अपना घर ना उजाड़ो। कोई भी बात हो अपने घर में बड़ा छोटा थे पूछ के ना काम करना चाहिए, ना कि दूसरे की सीख मान के। जिस डर सुषमा ने सीख मानी तो अपने घर का नाश कर लिया, वो तो भला उसका बल्ला का जो संदीप ते ही बता दी और उसने टेम पा के दवाई बदल दी, नहीं तो जो उन ड्रामा खेला था ना यह हकीकत में बन जावा। अरे भाई देखनी थम भी सुन लो, अगर किसी की सीख मानोगे ना तो संदीप ने तो दवाई बदल दी थी और हमने दवाई बदलने का मौका भी नहीं मिलेगा, और यह असलियत में बन जाएगी कहानी। तो हमारा यही कहना है किसी की सीख मान के अपना घर ना उजाड़ो। सीख मिला घर खानी दोबारा अर्थ ले ली, अर्थ दोबारा कट लग जाके चाले। हाँ वो क्या करना है बोले बिरानी सीख और करे कुनबा गाणी, तो नु कुनबा गाणी हो जाए करे भाई। जय हरियाणा और जय हरियाणा।